पूरे राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार आई है बजरी का अवैध खनन हुआ है, और जब शुरू में सरकार आई तब माइनिंग विभाग ने, परिवहन विभाग ने और पुलिस ने मिलकर अभियान चलाया और बड़ी तादाद में बजरी का अवैध खनन रोका गया। जब पूरी दहशत व्याप्त हो गई व्यापारियों में, उसके बाद लगातार आप देखिए सब खबर बंद है, ना तो कोई खान विभाग अवैध बजरी के खनन को रोक रहा है, ना परिवहन विभाग, ना पुलिस। जितने रास्ते में थाने आते हैं सबको बंदी दी जाती है, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, माइनिंग विभाग, सरकार में बड़े बैठे हुए बड़े नेता सब मिलकर और बजरी का अवैध खनन कर रहे हैं। बजरी की रेट सातवें आसमान पर है, बजरी महंगी हो गई, लेकिन एक भी जगह जहां से बजरी गुजरती है वहां कोई भी थाना, परिवहन विभाग या माइनिंग विभाग के अधिकारी हाथ नहीं देते। यदि बजरी का अवैध खनन रुक जाएगा और असली बजरी आएगी, आप ये मानकर चलिए यदि ये बंदी बंद हो जाएगी, कोई थाना, परिवहन और माइनिंग विभाग के लोग पैसा नहीं लेंगे, तो आपको लीगलाइज कर दीजिए पूरे को, तो अपने आप सस्ती बजरी मिलेगी। इसलिए करप्शन रुकना चाहिए, अवैध बजरी का खनन हो रहा है, जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का विभाग है। हमें उम्मीद है कि बजरी को लेकर बड़ा मुद्दा बीजेपी की सरकार ने बनाया था चुनाव से पहले, अब आपकी सरकार आ गई तो आप बजरी का अवैध खनन रोकिए। बजरी के नाम पर जो विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी सरकार में बैठे हुए बड़े नेता मिली भगत करके जो बजरी का खेल कर रहे हैं, वो बजरी के खेल पर अंकुश लगाइए, क्योंकि बजरी का खेल एक जगह नहीं चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है और उसमें सरकार के आशीर्वाद से चल रहा है। बजरी में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए और सस्ती बजरी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि आप विभाग के मंत्री, जनता को उपलब्ध कराना चाहिए।